अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल लर्निंग। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम माइक्रो ड्राइड एप्लीकेशन को पे अप वीडियो एप्लीकेशन के साथ किस तरह लिंक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप पे अप वीडियो के ऊपर पैसे कमा रहे हैं, आप वीडियो वॉच कर रहे हैं और आपको एक एक वीडियो वॉच करनी पड़ती है, तो आप उसके साथ माइक्रो ड्राइड एप्लीकेशन को आप उसके साथ लिंक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक वीडियो चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आप पे आप वीडियो के ऊपर पैसे नहीं कमा रहे हैं, तो अगर आप कमाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दिया है, आप इसको ज्वाइन करें और इसके ऊपर पैसे कमाएं। और अगर आप माइक्रो ड्राइड वेबसाइट को साथ लिंक करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को कम्प्लीट देखें। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह उसको लिंक कर सकते हैं। दोस्तों, चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने पे अप वीडियो जो वेबसाइट है आपने उसको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, आपने राइट साइड पे थ्री डॉट है, आप इसके ऊपर चले जाना है। जब आप इसके ऊपर जाएंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा माइक्रोज, ये देखें, ये छठे नंबर पे एक ऑप्शन आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू पेज आ जाएगा। अभी आपने क्या करना है, आपने पहले नंबर पर जो आ रहा है स्टेप वन आ रहा है, आपने इस वेबसाइट को, इस लिंक को आपने क्लिक करना है। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आप प्ले स्टोर के ऊपर चले जाएंगे और आपके पास वो वेबसाइट एप्लीकेशन आ जाएगी, आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है। तो ये देखिए कि मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ, आपने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको ओपन कर लेना है। तो जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। तो अभी आपने क्या करना है, आपने इसको नेक्स्ट करते जाना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास ये इस तरह का जो इंटरफेस है वो आ गया है। तो अभी आपने क्या करना है, आपने वापस अपने पे अप जो वेबसाइट है आपने उसके ऊपर चले जाना है। तो जब आप इसके ऊपर आएंगे तो आपके पास देखेंगे कि दूसरे नंबर पर एक स्टेप आ रहा है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो ये जो एक छोटा सी वेबसाइट है, जो लिंक है, वो ये ओपन होगा। अभी आपने इसको कर लेना है डाउनलोड। तो जब आप इसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद आपने इसको कर देना है ओपन। जब आप ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। अभी आपने क्या करना है, आपने देखेंगे नीचे राइट साइड पर कॉर्नर में एक प्लस का निशान आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपसे इसको के पास एक पेज आ जाएगा, वो बताएगा कि असेसिबिलिटी रिक्वायरमेंट है, आपने इसको ओके कर देना है। तो जब आप ओके करेंगे तो आपके पास असेसिबिलिटी वाला जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। अभी आपने क्या करना, आपने इसकी चार को है इसकी वेबसाइट के लिंक है, आपने उसको दिया। फिर उसके बाद चौथे नंबर वाले को आपने एक्सेस कर देना है, फिर बैक चले जाना है, फिर आपने पाँचवें नंबर वाले को एक्सेस कर देना है, करने के बाद आपने बैक चले जाना है, फिर लास्ट वाले को आपने करके असेसमेंट करके आपने ओके कर देना है। अभी ये देखें कि आपके पास ये जो चार ऑप्शन थे, ये माइक्रो ड्राइड वाले ये असेसबिलिटी इसको मिल गई है। अभी आपने वापस अपने उसी वेबसाइट पे आना है जो आपने उसको इंस्टॉल किया था। अभी देखें मैं उसी पर आ गया हूँ, अभी इसको मैं करता हूँ बैक। बैक करने के बाद अभी देखें कि ये आपकी जो असेसबिलिटी है वो इसको मिल गई है। तो अभी आपने क्या करना है, आपने ये बैक पर क्लिक कर देना है। जब बैक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वही पेज आ जाएगा वेबसाइट वाला, एप्लीकेशन वाला। तो आप देखें कि नीचे एक ऑप्शन आ रहा है माइक्रोज, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना। तो जब आप माइक्रोज पे क्लिक हो गए, अभी आपने क्या करना है, आपने अपनी पे आप वेबसाइट पे जाना है, उसको आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने ये वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इसको कर देना है रिफ्रेश। तो जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो वो जो वेबसाइट है, वो एप्लीकेशन है, वो इसके साथ लिंक हो जाएगी। अभी आपने क्या करना है, आपने वापस उसी माइक्रोज वाली वेबसाइट पे आना है। आने के बाद आप दूसरे नंबर पे देखेंगे कि ये जो टिक मार्क है वो नहीं लगा हुआ, आपने ये टिक मार्क लगा देना है। तो जब आप टिक मार्क लगा दोगे तो ये ऑटोमेटिक आपकी जो पे अप एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगी। और ये देखें कि नीचे एक ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा, ये ऑटोमेटिक वीडियो चलना स्टार्ट हो जाएगी। अभी देखें मैं इसको एक दफ़ा कर देता हूँ ओपन। ओपन करने कर दिया, ओपन करने के बाद अभी आप तो वेट करेंगे, ये देखें कि अभी जो वीडियो है ये ऑटोमेटिक चलना स्टार्ट हो जाएगी। अभी ये देखें कि मेरा नेट स्लो है, इस वजह से ये कह रहा है, अभी ये देखें कि इसके ऊपर मैं क्लिक नहीं करूँगा, ये ऑटोमेटिक मेरी वीडियो चलना स्टार्ट हो गई है। तो अभी ये 10 मिनट वेट करते हैं, 10 सेकंड कि 10 सेकंड बाद ये मेरे जो 10 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे। 10 सेकंड कंप्लीट होने के बाद मेरी जो वीडियो है वो ऑटोमेटिक कम्प्लीट होने के बाद वापस चली जाएगी। अभी ये देखेंगे मेरे 5 सेकेंड हो गए हैं, 4 हो गए हैं, 3, अभी 2 और ये 1 है। अभी ये देखें कि मेरे इसके ऊपर जो पैसे हैं जो डॉलर हैं वो ऐड हो गए हैं और ऑटोमेटिक मैं अपनी वापस उसी वेबसाइट के ऊपर चला जाऊंगा। अभी ये देखें कि मैं आपकी वेबसाइट के ऊपर वापस जा रहा हूँ।
अभी देखें वापस आ गया, अभी दोबारा स्टार्ट हो गया। अभी आप इस तरह अपनी जो वेबसाइट है उसको इसके साथ लिंक कर सकते हैं।